हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आप देख रहे होंगे मैं शॉल पहन के बैठी हूँ क्योंकि ठंड लग रही है। पंखा भी बंद कर दिया है, 3 दिन हो गई हमारे यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही है बिल्कुल। और देहरादून में अगर 2-3 दिन पड़ के खूब बारिश हो जाए ना दिन रात, तो फिर ठंड हल्की हल्की हो जाती है। तो मुझे ठंड लग रही थी और ना मैंने सूट भी ना पूरी बाजू का पहना हुआ है, ठंड लग रही है, शॉल भी ओढ़ के बैठी हूँ। और सोचा चलो आपका वेलकम करते हैं और वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है इस टाइम पे और आज ये दिन है वेनसडे। वेनसडे है ना, 22 है ना डेट, तो वेनसडे है आज और डेट है 22 यानी कि 22 जुलाई है आज और कल है तीज। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी तीज। तो बस काम मेरा हो चुका है, कपड़े कल शाम को धोए थे, अंधेरा हो गया था तो शाम को धो दिए थे, तो अभी मॉर्निंग में सबसे पहले वही फैला कर आए हैं, सूख जाएंगे तो फिर ले आएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं, फिर इधर उधर फैलाने पड़ रहे हैं जिससे अच्छा भी नहीं लगता है। और क्या होता है ना, बारिश में कपड़े जो धुलते हैं अगर वो धूप में सूखे हैं तो सही रहता है, और अगर ऐसी घर में टांग के सुखा दो या फिर प्रेस कर दो तो उसमें ना हल्की हल्की सी सीलन की स्मेल रह जाती है, अजीब सी, और अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे तो जैसे कपड़े अगर धूप में सूख गए तो ठीक है, अगर धूप में नहीं सूखे और हमने घर में ही रस्सी में डाल के सुखाए हैं तो उसमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम प्रेस नहीं करते हैं और वो नमी वाले कपड़े हम पहनते हैं तो उससे क्या होता है, एलर्जी होने की गुंजाइश रहती है, खुजली वगैरह हो जाती है हमारे बॉडी में। तो इसलिए कपड़ों को बरसात में तो ज़्यादातर कपड़ों को प्रेस ही करके पहनना चाहिए। और नाश्ता सुबह हो चुका है, नाश्ते में रात का ही खाना बचा था, कल मैंने चने की लौकी की दाल बनाई थी, साग बनाया था तो वो रखा था, तो उससे हमने नाश्ता कर लिया है और दाल अभी रखी है। तो दोपहर में बस हम चावल बनाएंगे और उसी से खा लेंगे। और ये काम पे चले जाते हैं, दोपहर में आते नहीं हैं, तो फिर हम अगर सब्जी रखी है तो उसी से ही दोपहर में खा लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर बना लेते हैं। और बस झाड़ू हो गया है, पोछा बर्तन सब सारा काम आज मैं निपटा के बैठी हूँ आपसे थोड़ी बातें करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया आपसे बातें नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर बातें करने बैठती हूँ तो फिर वीडियो का टाइम देखना पड़ता है, फिर अपनी और जो काम होते हैं वो भी आपको दिखाने होते हैं, तो फिर और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि चाहे मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं 15 मिनट की वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं 3 मिनट की वीडियो बनाऊँ, वीडियो पता नहीं लोग देखते नहीं हैं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आपकी पसंद है, कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद आता है तो आप देखते होंगे और नहीं आता होगा पसंद तो नहीं देखते होंगे, वो अपनी आपकी चॉइस है। और बस कल भी मैं मॉर्निंग में ना पूरा तैयार होकर बैठ गई थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो तीज में और कुछ नहीं, चलो चूड़ियाँ ले लेंगे, मेहंदी वगैरह है और बिंदी बिंदी लानी थी, मेरा थ्रेडिंग बनानी थी, थ्रेडिंग मेरी बहुत हो गई, बारिश हुई कल निकला नहीं, अब निकला है तो अब मैं सोच रही हूँ जाऊँ। और इसके पापा भी अभी थोड़ी देर में आएंगे तो हमें कहीं जाना है, और देखते हैं आज जाएंगे या कब जाएंगे, और आज ही जाएंगे शायद, वो कह रहे थे मैं दोपहर तक आ जाऊँगा। और हम कहाँ जाएंगे तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, कुछ है मतलब खुशखबरी है, तो वो जब हो जाएगा मैं तब आपको कंफर्म, जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी। और वैसे आज हमें कहीं लंच में भी जाना था तो वो आज कैंसिल हो गया, तो वो कल है, तो देखते हैं। कल घर में तीज भी है, और वैसे हम लोग तीज में कुछ नहीं करते हैं, हमारे यहाँ व्रत भी नहीं रखा जाता है क्योंकि हमारी सासू माँ ने कभी हमसे व्रत नहीं रखवाया है। बस 12 बजे तक अपना तैयार हो, 12 बजे तक अपना वो जो बनाना खाना है पूछ पाछ के, बस ऐसे ही होता है हमारे यहाँ तीज। और वही कहते हैं ना, जैसे ससुराल में रखते हैं सास रखवाती, उसी तरह से ही रखना चाहिए। और बस हम ऐसे ही करते हैं, अपना तीज में कुछ भी बना लेते हैं, फिर पूज लेते हैं, 12 बजे तक 1 बजे तक हो जाता है, निपट जाता है काम। और मेहंदी में अभी सोची थी लगाने के लिए, लेकिन फिर शाम को लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि भी आना जाना रहेगा, तो शाम को मतलब जो खराब का खाना जल्दी बना लूँगी मैं और शाम को लगाऊँगी। और गुड्डो भी लगाएगी मेहंदी, गुड्डो को तो ऐसा हो रहा है कि मम्मी जल्दी जल्दी बाजार चलो, गुड्डो ने भी चूड़ी लेनी है, देखते हैं इसके नाप की मिलती है कि नहीं मिलती। इसका क्या है, जो इसकी हड्डी है ना वो यहाँ से थोड़ी सी टाइट है, तो हाथ की कलाई तो छोटी है लेकिन चूड़ी थोड़ा बड़ा साइज लेना पड़ेगा। और ये अपना पूरा बाजार लगा के बैठी है यहाँ पे गुड़ियों को लेके, पता नहीं क्या बना रही, गुड़ियों के कपड़े अपना खेलती रहती है। और इसका बैडमिंटन भी लाना है, मैंने काफ़ी टाइम से मैं कह रही हूँ बैडमिंटन लाना है और वो भी लाना है। और बातें तो बहुत करनी होती हैं पर टाइम का हो जाता है ना, मैं ना किसी तरह से थ्रेडिंग बनाऊँ। हमारे यहाँ पे ना पार्लर खुलता था तो मैं वहीं पे बना लेती थी, घर के थोड़ा सा पास ही, आजकल वो काफ़ी टाइम से खुल नहीं रहा है। अब देखूंगी मार्केट की साइड, मार्केट मतलब जो बड़ा मार्केट होता है ना हमारे देहरादून का, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब घर भी हैं, मेन रोड ही है ये मान लो, तो उसे मार्केट ही बोलते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की दुकानें हैं, हर चीज़ की शॉप है, तो मैं वहीं से ही लाऊँगी। और तीज में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, कपड़े भी मैंने नहीं लिए हैं
और मेरे पे साड़ी रखी है ग्रीन कलर की, बस मैं वही पहनूंगी, ज़्यादा खर्चा क्यों करना जब है हमारे पास, है ना। तो चलिए फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और, मैं ना सोच रही हूँ आऊँ क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी। और यहाँ पे ना गुड्डू कह रही थी, मम्मी देखो ना मैंने क्या किया, मैंने देखो ना क्या किया। तो मैंने कहा इधर दिखा क्या करा तूने, तो ये ना पाउडर लगा कर आई थी, काजल लगा कर आई थी। तो मैंने कहा बस भाई नटखट हो गई है आजकल, ज़्यादा ही शैतान हो गई, बहुत नटखट हो गई है वो, मस्ती मारती रहती है पूरा दिन मेरे से, हंसी मजाक करती रहती है, और अच्छा भी लगता है, मुझे भी कंपनी मिल जाती है, वरना मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये आपको दिखा रही थी बार बार आके, ऐसे डरा रही है हंसा हंसा के। और मैंने ये रेड सूट पहन लिया है और बस हम जा रहे, ये जाएगी मैं जाऊंगी, देखते हैं चूड़ी उड़ी मिल जाती है ले आते हैं, थ्रेडिंग का देखते हैं, कोई खुला होगा पार्लर तो बनवा देंगे, त्यौहार मन जाएगा अच्छे से। और बस जा रही हूँ, और मैं तो ये बांधूंगी मुंह पे क्योंकि मास्क पता नहीं पहनते हुए दम घुटता है मेरा तो। और चलते हैं फटाफट हो आते हैं क्योंकि इसके पापा भी 1 बजे तक कह रहे हैं वो आएंगे, फिर उनके साथ जाना है। चलिए फिर आपको भी मार्केट घुमाते हैं। जब मैं मार्केट गई ना तो मैंने बैडमिंटन तो ले लिया था गुड्डू के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पहले मैं चूड़ियाँ देख लेती हूँ। तो पता है चूड़ियों के लिए मैं जगह जगह कल घूमी हूँ, बहुत मुश्किल हुई चूड़ियों के लिए। ये जो चूड़ियाँ थी ना, मतलब ये बहुत कच्ची थी, इनका जो पेंट था वो भी उतर रहा था, जो मीना सा लगा रहता वो उतर रहा था, कच्ची कच्ची थी, हाथ में लेके ही ऐसा लग रहा था कि एक झटका लगेगा तो ये मोल जाएंगी। और बहुत महंगी चूड़ियाँ थी, जो 40 रुपये का डिब्बा आता था वो 60 रुपये 70 रुपये, इतनी महंगी चूड़ियाँ थी। फिर मैंने यहाँ से जो कुछ मुझे पसंद लगी मैंने वो ले ली, क्या करते हैं जब मजबूरी होती है तो फिर लेना ही पड़ता है। और भी शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी। तो मार्केट से आ गई हूँ मैं, और मैंने भी आपको मार्केट घुमा दिया है अच्छे से, और आप मुझे बताना कैसा लगा आपको मार्केट घूम के। और वही दिक्कत है ना, मैंने कहा था ना ये झालर वाली बाजू हैं ये, और ये मैं अभी चावल रख कर आई हूँ बनने के लिए, तो ये भीग गई हैं सारी, चावल धोते हुए गिल्ली हो गई सारी, अंदर मोड़े भी फिर भी, पर मुझे ऐसे स्लीव बहुत अच्छी लगती हैं। और मार्केट से आ गई हूँ, पर मार्केट में ना सच में वो मार्केट जो होता है पहले जैसा नहीं रह गया, अब कुछ भी ना तो अब मन भी नहीं करता, पहले जैसा नहीं रह गया। चूड़ियाँ भी मैंने 10 जगह देखी हूँ, सबके अलग अलग रेट, मतलब जो क्वालिटी नहीं है कुछ नहीं है उसके अलग अलग रेट, इतना महंगा। बस ये है कि मैंने आज मजबूरी में चूड़ियाँ लेनी पड़ी हैं त्यौहार की वजह से, बहुत महंगा सामान है, बहुत मतलब लूट मार मचा दी है लॉकडाउन की वजह से लोगों ने। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ, और आके हाथ पैर हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं, मुँह अच्छे से धो लिया है, और नहा नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी फिर जाना है बाहर। तो ये बैडमिंटन लाई हूँ मैं इसके लिए, गुड्डू के लिए लेकर आई हूँ मैं, हमारी गुड्डू रानी कहती हैं हम क्या खेलेंगे, ये लाई हूँ, डबल है, और उन्होंने कॉक भी दी है। अच्छा मिल गया, अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा है काफ़ी। अरे यार ये फंस गया, लगा ना ये उसमें और लग के। और मैं क्या लाई हूँ, और मैं ये चूड़ी लाई हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये चूड़ियाँ मैं गुड्डों के लिए लेकर आई हूँ, हमारी गुड्डों को चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, चूड़ी बिंदी मतलब सजना सिंगार करना मेरी गुड्डों को बहुत पसंद है। तो मैंने उसे कहा दूसरा कलर ले ले, तो कह रही नहीं मम्मी मुझे भी ग्रीन चाहिए, तो ये लेकर आई हूँ। और इतनी महंगी चूड़ियाँ, पता है जो ये डिब्बे की चूड़ियाँ ना, डिब्बे की चूड़ियाँ पहले 40 रुपये में मिला करती थी 2 दर्जन,
कहीं तो 60 रुपये दे रहे हैं, कहीं 70 रुपये दे रहे हैं, कहीं 50 रुपये दे रहे हैं, अलग अलग रेट में दे रहे हैं। मुझे तो गुस्सा भी आ गया था, मैंने कहा आप सबने अलग अलग रेट अपने बना रखे हैं रेट से, क्योंकि भाई हमें पता है, हम सामान लेते हैं हमें पता रहता है कि किसका क्या रेट है। और बस मैं लिया ही हूँ, चूड़ियाँ थी भी नहीं और त्यौहार पर पहननी थी, तो मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ। ये है मेरे लिए, ये मैं अपने लिए लाई हूँ, मैं अपने लिए डिब्बे वाली नहीं लाई हूँ, मैं जो खुली रहती है ना वो लेकर आई हूँ। इसलिए भी लाई हूँ क्योंकि डेली भी इसके लिए रोज़ पहनने के काम भी आ जाएंगी, मेरे पे रोज़ पहनने के लिए चूड़ी नहीं है। देखो ना इसमें दो चूड़ी हैं, उसमें यही है, और ये जो चूड़ी है ना, ये पता है कब की है, ये नवंबर में ली थी तब की चूड़ियाँ हैं। और ये देख लो आपको कितना लंबा चलती हैं चूड़ियाँ, तो ये जो हैं ये 2 दर्जन चूड़ियाँ हैं, इतनी ली हैं मैंने। तो आप लोग बताना मेरी चूड़ी गुड्डू की चूड़ी आपको कैसी लगी। और आज मतलब सामान मैं ऐसे लाई हूँ ना, बस क्या बताऊँ, एक ही लिपस्टिक लाई हूँ, इसका कलर बड़ा प्यारा है, इस तरह का है कलर, क्लियर नहीं आ रहा उसमें कलर ना, इतनी है। और लिपस्टिक सही दे दी जहाँ से मैं लेकर आई हूँ, ये जहाँ से लेकर आई हूँ वो अंकल इतने पुराने हैं, मैंने आज उन्हें पहचान लिया। मैंने कहा क्योंकि जितनी बड़ी गुड्डू है ना इतनी बड़ी मैं थी, और हम स्कूल से आके वहाँ से सामान लिया करते थे, तो आज मैंने उनसे बोला, मैंने अंकल हम इतने छोटे छोटे थे तो आपसे सामान लेते थे, और आज देखो मैं अपनी बेटी को लाई हूँ। और ये वाली लिपस्टिक लेकर आई हूँ, ये लगाने के बाद पिंक हो जाती है, और ये ना मुझे बहुत पसंद आती है, मैं घर में यही लगा के रखती हूँ, और मेरे पे वो ख़त्म हो गई थी, पता है मैं ना उसमें से ऐसे निकाल निकाल के ऐसे ऐसे लगा रही थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, घर में लगा लो, और जैसे गर्मी है ना गर्मी में हल्का चलता है कलर, और मुझे गर्मी में ज़्यादा वो होता है ना वो नहीं लगाया जाता, जाड़ों में अच्छा लगता है लेकिन गर्मियों में नहीं, लेकिन ये लाइट है बिल्कुल, जैसे कभी मन नहीं होता अपना घर में ही है तो चलो ये लगा लिया हल्का सा, कभी कभी मैं डार्क लगा लेती हूँ, वरना यही लगाती हूँ। और ये 2 नेल पेंट लेकर आई हूँ, ये मैं गुड्डों के लिए लेकर आई हूँ, ये भी सब लोकल है, कंपनी की नहीं है, लोकल लेकर आई हूँ मैं, ग्रीन कलर है, और ये ना ये डार्क ऑरेंज में आ रहा है, उस तरह का कलर है। और गुड्डों के लिए लाई हूँ, गुड्डों के लिए नेल पेंट नहीं थी मेरे पास, तो हैं रेड है, मेहरून है, और ये बाली लेकर आई हूँ गुड्डों के लिए, और ये 2 क्लेचर लेकर आई हूँ, ये 2 क्लेचर लेकर आई हूँ, और सच में अच्छे रेट में ले गया यार, मैं मार्केट से इतना बड़ा क्लेचर ला रही हूँ 40 रुपये का, ये मुझे 20 रुपये में दे दिया, ये 10 रुपये का, ये 20 रुपये का, मार्केट में तो लूट लिया था सच में, बहुत महंगा था। आज तो लगता है आपसे बातें करते ही, शॉपिंग करते करते ही ये पूरा वीडियो जाना है। एक बिंदी में ये लाई हूँ शिल्पा की, मैं शिल्पा की ही बिंदी लगाती हूँ ज़्यादातर, और ये प्लेन ही लगाती हूँ, आपने देखा भी होगा, और आपने कुछ और नोट किया भी वीडियो बनाते हुए, मेरी ट्रेनिंग बन गई है, मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमारे यहाँ का जब पार्लर है ना वो बंद हो गए हैं, 2 पार्लर बंद हो गए हैं, तो ये मैं आज नई जगह से बनवा कर आई हूँ, और सच में उसने इतना दर्द किया है ना, मेरे इतने दर्द किया है, ऐसा लगता है कि बाल खींच रही है, पर मुझे था कि ख़राब ना कर दे, अच्छा बनाया बेचारी ने, डर गई थी वो जब मैंने उसे बोला कि बहुत बुखार है, बहुत दर्द कर रहे, बेचारी मुझे देख के डर गई, वो कह रही दीदी मैं तो बहुत आराम आराम से बना रही, फिर भी अच्छा बना दिया उसने। मेहंदी के लिए भी कह रही थी कि मेहंदी लगा लो, और मुझे ना उसे देख के थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, वो ज़रूरतमंद थी, वहाँ जॉब कर रही थी वो, कि दीदी मेहंदी लगा लो मेहंदी लगा लो, बहुत बोला उसने, पर भैया ना मैं अगर मेहंदी लगा लेती तो फिर मैं एक्टिवा लेकर गई थी, वो कौन चलाता था, इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा करवा चौथ पे ज़रूर लगाऊंगी उससे मेहंदी। और एक बिंदी ऐसी लाई हूँ मैं, इस तरह की, पता नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ठीक से, इस तरह की बिंदी लाई हूँ, और मैं ऐसी बिंदी वैसे लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि मैं ऐसी बिंदी लगाती नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं शौक है ले लेती हूँ, एक इस तरह की बिंदी है, इस तरह की है और इस तरह की है, इसमें कलरफुल है, लेकर तो आ गई हूँ, देखते हैं लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी, और यही लेकर आई हूँ मैं, बस ज़्यादा सामान लेकर नहीं आई हूँ। और आते ही मैंने सबसे पहले हाथ मुँह धो के मैंने चावल बनने के लिए रखे हैं, भूख लग रही है, और सुबह से सिर्फ मैंने चाय पी रखी है, टाइम पता क्या हो गया इस समय को 1 हो गया है, और परेशान हो गया सच में, बाजार में ऐसा हो रहा था कि कहाँ से लूँ, मतलब सब मिलना मुश्किल हो गया, सबसे ज़्यादा मिलना मुझे चूड़ी मुश्किल हो गई थी आज। तो चलिए फिर, और ज़्यादा बात नहीं करती, आज बहुत बातें करी है मैंने आपके साथ, और लंच करेंगे, और मेहंदी मैं शाम को लगाऊंगी, तो क्या पता लंच करते करते ही वीडियो एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दाल, रात की दाल रखी थी, लौकी चने की दाल बनाई थी, तो वो मैं गर्म कर रही हूँ,
चावल हो चुके हैं और दूसरी साइड में तवे पे ना साग गरम कर लूँगी। जो रात की सब्जी वगैरह कुछ होती है ना, वो मैं तवे पे गरम करके खाना बहुत पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा स्वाद आता है तवे पे गरम करके खाना। और बस गुड्डू का और अपना खाना मैं डाल लूँगी। मुन्नू अनिकेत तो नीचे खेल रहे थे, उन्हें अभी भूख नहीं थी, तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं और गुड्डू खाना खा लेते हैं। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरी शॉपिंग जो मैंने करी है तीज की शॉपिंग, आपको कैसी लगी है। और बस ज़्यादा वीडियो क्या लंबा करें, वैसे ही 15-16 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ वीडियो मैं छोटी बनाऊँ, पर व्लॉग हैं और क्या करें, बस जितना छोटा करना चाहती हूँ हो नहीं पाता है। बस इधर मैं खाना खाऊंगी और मेरी बेटी भी खाना खा रही है, और उसके आगे आप देख रहे हो ना जो उतना सामान रखा है, तो ये उस गुड़िया खेल रही थी, गुड़िया का घर घर खेलती है, तो वही रखा है। तो बस मैं वीडियो का एंड करूंगी और यही कहूंगी आपको, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अभी आपके सपोर्ट के प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबको हैप्पी तीज। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।